जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, रीजनिंग में आज हम चैप्टर नंबर सेकंड की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, और हिंदी में इसे कहा जाता है खून का रिश्ता। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि खून का रिश्ता क्या होता है। जैसे आपका आपके पिताजी के साथ कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता। आपका आपकी मम्मी के साथ कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता, यानी कि ब्लड रिलेशन। आपका अपने भाई के साथ कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता। ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर के जो सवाल हैं बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना? तो आपको बस एक काम करना है कि अपने पास एक नोटबुक रख लेनी है और एक पेन, और जो जो चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा, लिखाऊंगा ग्राफ के रूप में, उस ग्राफ को भी आप अपनी नोटबुक पर मेंशन करते जाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए, चलो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। इस पूरे चैप्टर में एक तो मेल होगा, यानी कि एक पुरुष व्यक्ति, जिसके लिए कौन सा साइन दर्शाया जाएगा? प्लस वाला साइन, ठीक है ना? यानी कि मेल के लिए कौन सा साइन आएगा? प्लस। एम बोले तो मेल, तो एम भाई साहब के लिए हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे आप? प्लस वाला साइन। और दूसरा एक होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन किसके लिए आएगा दोस्तों? एफ के लिए। एफ बोले तो फीमेल, ठीक है ना? तो पहली बात गांठ बांध कर अपने मस्तिष्क में बैठा लो कि मेल के लिए हमेशा और हमेशा क्या आएगा? प्लस वाला साइन, और फीमेल के लिए क्या आएगा? माइनस वाला साइन, ठीक है ना? एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है ना? और आप लिखते भी जाइए जो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आप वैसे भी अपनी नोटबुक पर लिखते जाइए, ठीक है ना? हाँ, तो मेल के लिए प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन, ठीक है? अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में क्या होता है कि दो व्यक्ति होंगे, ठीक है? वो दो व्यक्ति हो सकता है या तो हस्बैंड और वाइफ होंगे, या तो वो दो व्यक्ति क्या हो सकते हैं? भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई हो सकते हैं, या फिर बहन बहन हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ तीन इंपॉर्टेंट लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? तीन इंपॉर्टेंट लाइन, और उन तीन इंपॉर्टेंट लाइन से ही इस पूरे चैप्टर का क्या निकलेगा? निचोड़ निकलेगा, ठीक है ना? तो जो पहली लाइन है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। कौन सी वाली लाइन? स्ट्रेट लाइन, यह है आपकी स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, ये किसके बारे में जानकारी देती है? ये लाइन पति और पत्नी के बारे में, पति और पत्नी के बारे में क्या करेगी? जानकारी देगी। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, ठीक है? आप भी लिखते जाइए अपनी नोटबुक पे। दूसरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, ये लाइन। और ये जो लाइन है ये किसके बारे में जानकारी देगी? किसके बारे में जानकारी देगी? माता पिता का बच्चों से संबंध। अभी सब समझ में आ जाएगा जब हम सवाल करेंगे, ठीक है? बच्चों से संबंध, दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन है डॉट डॉट की लाइन, इसको बोलते हैं डॉट डॉट की लाइन। और ये डॉट डॉट की लाइन किसके बारे में जानकारी देती है? भाई बहन के बारे में जानकारी, भाई बहन, या भाई भाई के बीच, या बहन बहन के बीच, ठीक है ना? तो तीन प्रकार की लाइनें हैं। इन तीन प्रकार की लाइनों को आपको हमेशा याद रखना है,
ये चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। पहली कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सीधी बना लेते हैं इसे, ये वाली लाइन। जहां भी ये लाइन दिखे या जहां भी पति पत्नी का रिलेशन वाला क्वेश्चन आए, वहां उन दो व्यक्तियों के बीच में आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब जिन दो लोगों के बीच में ये लाइन होगी वो हमेशा क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ ही होंगे। जैसे मैं कहूं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनमें ए जो व्यक्ति है वो मेल है यानी कि प्लस है, और बी क्या है? फीमेल है। ठीक है, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। तो इनके बीच में ये लाइन दर्शा दो। अब शायद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि इस लाइन का मतलब है कि जिन दो लोगों के बीच में ये लाइन होगी, इसका मतलब वो दो आपस में क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे या जुड़े होंगे। दूसरी लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो माता पिता का बच्चों से संबंध बताती है। मैंने कहा कि ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों की शादी हुई तो बच्चे भी होंगे। मान लो इन दोनों के दो बच्चे हुए, सी और डी है, दो एक मुन्ना और एक मुन्नी हुई। ठीक है, ये सी प्लस है यानी कि मुन्ना है, और ये डी क्या है? मुन्नी। ठीक है, मजाक, सीरियस मतलब। ठीक है, अब देखो, अब सी और डी आपस में क्या हो गए दोस्तों? भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और भाई बहन के लिए कौन सी लाइन होगी? डॉट डॉट वाली लाइन। देखो, तो इन दोनों के बीच में आएंगे डॉट डॉट वाली लाइन। लेकिन मैंने एक बात और भी तो कही थी, माता पिता का बच्चों से संबंध दर्शाती है ये वाली लाइन। इसका मतलब यहां ये वाली लाइन भी खींचनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता लगेगा ना सी और डी के पेरेंट्स कौन हैं। सी और डी के पेरेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, अब क्लियर कट आपको इस ग्राफ से पता लग गया होगा कि अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी और डी में क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे भाई बहन का रिलेशन। क्यों है जी भाई बहन का रिलेशन? क्योंकि डॉट डॉट वाली लाइन खींच रखी है इनके बीच में, क्योंकि डॉट डॉट वाली लाइन ही बताती है कि वो दोनों क्या है? भाई बहन है। मैं आपसे बोलूं कि सी और डी के माता पिता कौन है, आप बोलेंगे जी ए और बी है। कैसे पता लगा जी? क्योंकि उनके बीच ए और बी तथा सी और डी के बीच में कौन सी लाइन है? ये है हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक है, पता लग गया। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि बताओ ए और बी आपस में क्या है, तो आप बोलेंगे जी हस्बैंड और वाइफ है। कैसे पता लगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, आप ये जो तीन लाइन है और इन तीन लाइनों के बारे में जो मैंने लिखा है उनको आप अपनी नोटबुक पर क्या कर दीजिए, उतार दीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन पति और पत्नी के रिलेशन को दर्शाती है, जो ये वाली लाइन है ये माता पिता का बच्चों से संबंध को दर्शाती है, और ये डॉट डॉट लाइन भाई और बहन के रिलेशन को क्या करती है? दर्शाती है। बस यही इस पूरे चैप्टर का क्या है? निचोड़ है जी। और अगर ये तीन लाइनें आपने अपने दिमाग में बिठा ली है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, आंख बंद करके इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक पर उतार दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अपनी नोटबुक पर उतार लिया होगा। और आप सबसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करें कि मतलब करेंगे। थैंक यू सो मच आपका। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
अच्छा, इसको थोड़ा मुझे रहने देना चाहिए था अभी, क्योंकि क्वेश्चन में हेल्प करेगा ना। इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी क्यू की बहन है। पी किसकी बहन है? क्यू की। और भाई बहन के बीच में कौन सा रिलेशन है? डॉट डॉट का। तो यानी कि पी और क्यू के बीच में होगा डॉट डॉट का निशान वाली लाइन। और पी बहन है तो पी यानी कि माइनस होगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, आप अपने हिसाब से कभी भी प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। जब आपको मेंशन किया होगा सवाल में, तभी आप उस व्यक्ति के ऊपर प्लस या माइनस रखेंगे। जैसे मुझे इस पहले सवाल में मेंशन किया है, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि पी क्यू की बहन है, इसका मतलब पी माइनस है, पी फीमेल है, इसीलिए मैंने पी के ऊपर माइनस साइन लगाया। लेकिन क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब क्यू प्लस भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है क्यू, और क्यू लड़की भी हो सकती है। ध्यान रखना हमेशा, जहां पे मेंशन न किया गया हो वहां पे आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस बीच में क्या दे देंगे, ऐसी डंडी दे देंगे। कुछ भी हो सकता है, आपको कंफर्म नहीं है। आगे वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ के शायद ये पता लगे कि क्यू प्लस है या माइनस है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं है कि क्यू प्लस है या माइनस है। केवल इतना पता है कि पी बहन है किसकी? क्यू की, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़िए। आर एस का भाई है। आर किसका भाई है? एस का। अब देखो जरा, अगर आर एस का भाई हुआ तो आर प्लस होगा, और भाई भाई बहन के बीच में हमेशा ध्यान, फिर एक बात फिर कंफ्यूज मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, भाई भाई हो चाहे बहन बहन हो चाहे भाई बहन हो, सबके बीच में डॉट डॉट का ही साइन आएगा। फिर एक बार कह रहा हूं, चाहे भाई भाई हो चाहे बहन बहन हो चाहे भाई बहन हो, सबके बीच में कौन सा साइन आएगा? डॉट डॉट का ही साइन आएगा, ठीक है ना। हाँ लिख भी लेता हूं यार, फिर कंफ्यूज करोगे, ठीक है। भाई भाई या बहन बहन। अब इस वाले सवाल में जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें वो कह रहा है कि आर एस का भाई है तो आर प्लस होगा और बीच में डॉट डॉट लाइन और एस। अब एस के बारे में पता नहीं है ना, तो एस या तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर आगे पढ़ो, यदि एस पी की बहन है, बिल्कुल कंफर्म पता लग गया, अब एस क्या है? माइनस है। और एस को किसकी बहन बनना है? पी की बहन। तो फिर भाई बहन या बहन बहन के बीच में डॉट डॉट का साइन, तो यहां पे आ जाएगी एस। और एस के साथ कौन जुड़ी है? एस की, एस का भाई कौन है? आर। तो यहां पे आ जाएगा आर प्लस। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये चारों के चारों लोग आपस में क्या है, भाई बहन के रिलेशन में है। अब इन चारों में से तीन लोगों का हमें कंफर्म पता है, आर प्लस है यानी कि मेल है, एस फीमेल है। एस क्या है? फीमेल है। पी भी क्या है? फीमेल है। अरे समझ लो ना, एस भी क्या है? फीमेल है। आर क्या है? मेल है। आर क्या है? मेल है। और पी क्या है? फीमेल है। पी भी क्या है? फीमेल है। लेकिन क्यू के बारे में पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन क्यू के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। क्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, और हमसे वो पूछ रहा है कि क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है। तो बताओ क्यू का एस से क्या संबंध है? अगर क्यू प्लस हुआ, अगर क्यू क्या हुआ, प्लस हुआ, तो फिर लड़का होगा। क्यों लड़का होगा किसका? सॉरी, क्यों लड़का
अरे रे रे, मैं क्या बोल रहा, सॉरी 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 सॉरी। देखो अब इन चारों के बारे में तो कंफर्म पता है कि आर क्या है, प्लस है, एस क्या है, माइनस है, और पी भी क्या है, माइनस है। लेकिन क्यू के बारे में पता नहीं लग पा रहा है कि क्यू आखिर है क्या, प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। हाँ, अब हमसे वो पूछ रहा है कि क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है। अगर क्यू, अगर जो क्यू है अगर वो प्लस हुआ तो फिर वो एस का क्या होगा, भाई होगा, एस का क्या होगा, भाई होगा। और अगर क्यू माइनस हुआ तो फिर क्यू एस की क्या हो, क्यू क्या होगी, बहन होगी एस की। तो इसका मतलब भाई भी हो सकता है क्यू और बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पहला जो सवाल है वो अच्छे से आपने समझा, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वाला फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले सबसे पहला काम क्या है, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। तो उसने कहा ए बी की बहन है, ठीक है, बी सी का भाई है, डी ए की माता है, तो बताइए कि सी का डी से क्या संबंध है। अब देखो ए बी की बहन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए तो माइनस होगी, ए क्या होगी, माइनस होगी, होगी कि नहीं होगी, और बी की बहन है तो यानी कि यहां पे होगा बी। अब बी के बारे में आपको ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेल है या वो फीमेल है, इसीलिए हमने प्लस और माइनस दोनों लगा दिए स्लैश करके, ठीक है। लेकिन ए के बारे में कंफर्म है कि ए क्या है, फीमेल है, ए क्या है, फीमेल है, कहा है उसने ए बी की बहन है। फिर आगे कह रहा है बी सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का, इसका मतलब क्या होगा कि बी प्लस होगा, मेल होगा। दोस्तों अब यहां से क्लियर कट पता लगा, और किसका भाई है, सी का भाई। लेकिन आपको अब सी के बारे में पता नहीं है कि सी मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो, डी ए की माता है, डी किसकी माता है, ए की, यानी कि डी होगी ऊपर, और अगर माता है तो क्या होगी, माइनस होगी, और किसकी माता है, ए की, तो यानी कि एरो का साइन ये वाला, समझ गए ना क्यों दर्शाया ये एरो का साइन। चलिए काम करो, थोड़ा सा डी को मैं इस तरफ लिख देता हूं यहां पे, माइनस और फिर एरो का साइन यहां, ठीक है। यानी कि अगर डी ए की माता हुई तो बी की भी माता होगी और सी की भी माता होगी, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। तो ए की माता बी की भी होगी और सी की भी माता डी ही होगी। अब हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ कि सी का डी से क्या संबंध है, इस सी का इस डी से क्या संबंध है। भाई आप सी का डी से तभी संबंध बता सकते हैं जब आपको क्लियर कट पता हो कि सी मेल है या फीमेल है, लेकिन यहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि सी मेल है या फीमेल है। इफ यदि सी क्या हुई, मेल हुई, तो फिर पुत्र होगा, सी क्या होगा, पुत्र होगा किसका, डी का। और अगर इफ सी क्या हुई, फीमेल हुई, तो फिर पुत्री होगी जी, क्या होगी, पुत्री होगी किसकी, डी की। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो पुत्र या तो पुत्री, पुत्र या पुत्री, समझ गए सेकंड वाले का आंसर। वीडियो को पॉज करके इसको आप उतार लीजिए, ठीक है ना। हाँ जल्दी शाबाश। तो
तो चलिए उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखो पी क्यू की बहन है, तो चलिए ये रही पी और बहन है तो फीमेल यानी कि माइनस किसकी है, क्यू की। अब क्यू के बारे में आपको ये पता नहीं है कि वो फीमेल है या वो फीमेल है, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिए। आगे वो हमसे क्या कह रहा है, आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है, यानी कि आर भाई है क्यू का, तो आर भाई साहब क्या होंगे, प्लस होंगे, मेल होंगे। क्यू का अभी भी अता पता कुछ नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, लेकिन आर का हमें पता लग गया है कि वो क्या है, मेल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर क्यू का भाई है, ठीक है। आगे पढ़ो, एस पी का पिता है, एस किसका पिता है, पी का, तो पिताजी इस तरफ आएंगे ऊपर, पिता है तो प्लस, और कौन सा वाला एरो लगेगा, ये वाला एरो लगेगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, एस पी का पिता है और टी आर की माता है, टी माता है तो उसको भी ले लो ऊपर, और किसकी माता है, आर की, तो माता है तो माइनस। अब जरा यहां पे ध्यान देना, सुनो, पी क्यू आर आपस में क्या है, तीनों भाई बहन हैं, पी के पिता एस हैं, तो आर के पिता भी कौन होंगे, एस होंगे। यदि आर की माता टी है तो इसका मतलब ये हुआ एस का टी से क्या संबंध होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे ये आपस में, होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि पी और आर आपस में क्या है, भाई बहन है। और अगर पी का पिता एस है और आर की माता टी है तो एस और टी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ। ये अब क्लियर कट आपको पता लग गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं और ये दे दिया मैंने एरो ऐसे इनके, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने इस चित्र को बनाया। आगे हमसे फिर वो कह रहा है क्यू आर की बहन है, अब क्लियर पता लग रहा है क्यू बहन है आर की, इसका मतलब क्यू क्या होगी, माइनस ही होगी। फिर आगे बढ़ो, तो बताइए कि क्यू का टी से क्या संबंध है, इस क्यू का इस टी से क्या संबंध है, पुत्री है, क्या है, पुत्री। अब क्लियर कट पता लग चुका है कि क्यू क्या है, पुत्री है, किसकी है, टी की, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, बार बार मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि इन तीन लाइनों को चाहे कुछ भी हो जाए, इन तीन लाइनों को मत भूलना, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट 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 वाली लाइन, ठीक है ना। सीधी लाइन किसको दिखाती है, पति पत्नी को, हॉरिजॉन्टल लाइन माता पिता का संबंध बच्चों से, और डॉट डॉट लाइन भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन का रिलेशन आपस में दर्शाती है। बस ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये चैप्टर अपने आप में मक्खन, ठीक है। चलिए अब अंतिम सवाल, अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसने कहा पी क्यू, पी क्यू और आर का पिता है, पी पिता है क्यू और आर का, यानी कि क्यू और आर के बीच में कौन कौन सी लाइन होगी, डॉट डॉट की लाइन। अब हमें यह पता नहीं है कि ये दोनों मेल हैं या फीमेल हैं, बस इतना पता है कि इन दोनों के पिताजी कौन हैं, पी हैं, तो इनके पिताजी पी हैं, तो ऊपर रख दो पिताजी को, ठीक है ये, और किस लाइन से, इस वाले लाइन से। आगे वो हमसे कह रहा है क्यू पी का पुत्र है, क्यू पुत्र है पी का, तो पुत्र है तो प्लस होगा जी, मेल होगा पुत्र। अरे होगा कि नहीं होगा, वो हमसे कह रहा है कि क्यू पुत्र है पी का, और फिर आगे फिर कह रहा है आर पी का पुत्र नहीं है, आर पी का पुत्र नहीं है तो फिर पुत्री ही तो होगी, पुत्री होगी, ठीक है।
और अंतिम में हमसे पूछ रहा है तो बताइए कि आर का पी से क्या संबंध है, इस आर का पी से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, पुत्री का संबंध है। देखो तो इस प्रकार से आज हमने जो चैप्टर नंबर सेकंड था सिटिंग अरेंजमेंट का, उसको क्या किया, अच्छे तरीके से सॉल्व किया और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। एक बार आप सबसे निवेदन फिर से है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और ताबड़तोड़ मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, और इतनी मेहनत करो कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो लक्ष्य आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।